कौन सा स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू गेट योर सक्सेस इन BFSI इंडस्ट्री? इट इज अडैप्टेबिलिटी. यस, अडैप्टेबिलिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स योर एबिलिटी हाउ यू कैन एडजस्ट एंड थ्राइव इन ऑल दीज चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस. हमें पता है कि मार्केट वोलेटाइल है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है. इसी के लिए आपको अडैप्टेबल रहना होगा फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस. तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले कि इंपॉर्टेंस क्या है अडैप्टेबिलिटी का. उसके बाद हम बात करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जिसमें आपको मैं दूंगी 10 स्टेप गाइड जिससे आप समझ सको कि हाउ कैन यू बिल्ड दिस अडैप्टेबिलिटी स्किल इन योर सेल्फ सो दैट यू कैन बी प्रोफेशनली सक्सेसफुल इन BFSI इंडस्ट्री. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम जानेंगे कि अडैप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है. तो नंबर वन, चेंजिंग इन द BFSI इंडस्ट्री या चेंजेस इन द BFSI इंडस्ट्री. हमें पता है कि BFSI इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डायनामिक है. यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स चेंज होते हैं, मार्केट वोलेटाइल है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से यू रियली नीड टू बी अडैप्टेबल टू कोप विद द इंडस्ट्री चेंजेस. सेकेंड, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर सेल्फ ट्रेंड ऑन एनी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट इज रिक्वायर्ड जिससे आप अपने क्लाइंट के डिमांड्स को मीट कर सके या अपने वर्क में भी बहुत इजीली आप सक्सेस अचीव कर सके. फिर आता है पॉइंट नंबर 3, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच. हमें पता है कि इट्स ऑल अबाउट क्लाइंट. क्लाइंट का डिमांड क्या है, क्लाइंट क्या का रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप क्लाइंट को कैसे आप खुश कर सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट क्लाइंट इंटरेक्शंस एंड क्लाइंट सक्सेस. इसीलिए क्लाइंट सक्सेस अप्रोच होने की वजह से एक्टिव लिसनिंग का स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कितना आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 4, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स. हमें पता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स इतने स्ट्रिंजेंट है और कॉन्स्टेंटली अडैप्ट होते हैं बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डिमांड्स या क्लाइंट डिमांड्स एंड ट्रेंड्स या बेस्ड ऑन मार्केट ऑल्सो. इसी के लिए अडैप्टेबिलिटी यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आप बिल्ड कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो या स्केल अप कर सकते हो इन योर करियर. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, मार्केट वॉलेटाइलिटी. हमें पता है कि ये मार्केट कितना वॉलेटाइल है, तो इसी के लिए आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा स्विफ्ट और प्रोएक्टिव रहना होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो या कोई भी अदर क्लाइंट स्ट्रैटेजी हो. तो इसी के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी स्विफ्ट इन मेकिंग योर डिसीजंस इफ यू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है. पॉइंट नंबर 6 है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन. तो यहाँ बात आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की. हमें पता है कि चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है इंडस्ट्री में, बट क्या आपको टीम मेंबर्स के साथ आप बात कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन रख रहे हो, क्या उन्हें वो पता है या कोई गैप है कम्युनिकेशन में? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को अडैप्ट कर सके नए नए रोल लेने के लिए या अपना रोल थोड़े टाइम के लिए चेंज करने के लिए या टास्क डेलीगेट करने के लिए या एक टीम में काम करने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ सकता है. इसी के लिए योर एबिलिटी टू बी अडैप्टेबल टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग एंड अडैप्टिंग टू न्यू रोल्स, यहाँ पे अडैप्टेबिलिटी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 7, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस या क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस. हमें पता है कि क्लाइंट डिमांड एक ऐसी चीज है जो बहुत फ्लक्चुएट होती है, कभी भी कोई भी डिमांड या रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है. सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. और यहाँ पे आप कितने अडैप्टेबल हो टू एडजस्ट टू योर कस्टमर या क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम एंड आल्सो फॉर योर करियर सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री. पॉइंट नंबर 8, रिस्क मैनेजमेंट. हमें पता है कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी आ सकती है और ऐसा अनफोर्सीन सिचुएशन आ सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट साथ ही साथ आप कैसे अडैप्टेबल हो के आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, एक सोल्यूशन निकाल सकते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए एक टिप ये भी है कि ऑलवेज स्टे इन्फॉर्म्ड कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या रिस्क है. जब आप ये इमर्जिंग रिस्क के बारे में नॉलेज रखोगे तो इट इज ईजियर फॉर यू टू प्रिपेयर अ बैकअप प्लान ऑल्सो. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्री चेंजेस एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. यानी कि यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न. एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपका लर्निंग मोड ऑलवेज ऑन होना बहुत जरूरी है. तो अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स, कोई कॉन्फ्रेंसेज या कोई मेंटोर या लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंसेस से सीखे या कोई वर्कशॉप्स अटेंड करे जिससे आप अपने आप के स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो टू स्टे इन लाइन या टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. बिकॉज हमें पता है कि ये इंडस्ट्री कभी भी कुछ भी कोई भी सेकेंड कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं. अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, वो है करियर अपॉर्चुनिटीज. तो जब आप अपने आप को अडैप्टेबल रखेंगे, अपने स्किल को बिल्ड करेंगे, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे, दिस विल हेल्प यू टू गेट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. तो आप मेंटोरशिप सीख करें, आप लोगों के एक्सपीरियंस से लर्न करें, या आप अगर दूसरे रोल्स के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं उसके लिए अडैप्टेबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है. तो ऑन दिस नोट वी आर क्लोजिंग दिस वीडियो ऑन
why adaptability बहुत ही ज़्यादा important है. ये क्यों इतना ज़्यादा hyped up skill है, क्यों ये important है for you to get your success as freshers in this constantly evolving and risk associated BFSI industry.